दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंपों पर हमले। दहशतगर्दों ने पंजौर और नौशकी में कैंपों पर हमले की कोशिश की। पंजौर में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी नुकसान। नौशकी में चार दहशतगर्द मारे गए। पंजौर हमले में एक जवान शहीद। ISPR बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले। वजीर आजम की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंजौर और नौशकी में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही है। वजीर आजम वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खराज तहसीन। अब्दुल कदूस वजिंजो बोले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज को मरूब नहीं कर सकते। दहशतगर्द याद रखें मुकाबला दुनिया की बेहतरीन फौज से है। उस्मान गुजार ने कहा वतन अजीज के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के अजान को खाक में मिलाया। पूरी कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत पर नाज है। दुश्मन को नाकामी होगी। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। फोर्सेज दहशतगर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF पाकिस्तान के लिए फौरी $1 अरब जारी करेगा। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मईशत को संभाला। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा जिसके बाद डॉलर महंगा हुआ। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इकदाम किए। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की रोजगार के फरोग का जरिया बनेगी। पाकिस्तान में सरकारी इदारों के नुकसान कम करना बड़ा चैलेंज है। IMF ऐलान। IMF से डॉलरों की आमद की खबर। डॉलर की परवाज रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे कमी। $1.75 पर फरोख्त। फॉरेक्स डीलर। वजीर आजम आज वफद के हमराह चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। इमरान खान अपने चीनी हमनसब से मुलाकात भी करेंगे। दौरा चीन का बुनियादी मकसद सुरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। 20 दीगर ममालिक के सरबरा इस वक्त चीन में मौजूद हैं। दौरे के बाद चीन की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। ICC वज़ीरे खारजा काउंसिल मीटिंग के इंतजाम से मुतालिक इजलास। वज़ीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की। बोले 22 और 23 मार्च को IC वज़ीरे खारजा काउंसिल इजलास इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के इंतजाम और तैयारियों को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कोरोना की 5वीं लहर के बाद इंतहाई खतरनाक मोहलिक वायरस। मासूम जानें निकलने में मसरूफ। वायरस ने मजीद 42 अफराद की जान ले ली। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,372। गुजशतर 24 घंटों के दौरान 5,830 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 9.75% रिकॉर्ड। MCO से मुल्क में कोरोना के पंजे मजबूत। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 11% से बढ़ गई। 24 घंटे में कोरोना से 14 अफराद का इंतकाल। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 6.9% रिकॉर्ड।
1663 नए केसेज रिपोर्ट, कोरोना के बाद 16 हलाकतें रिपोर्ट हुई। एक पीएसपी अफसर ने रिपोर्ट बनाई जिसके मंदरजात बहुत सारे थे, जिसके अंदर हमारे माशाल्लाह मिस्टर क्लीन सरी सईद गनी साहब, मैं कहता हूँ सईद गनी साहब रहम करवाइए, हमारा तो झगड़ा नहीं है, आप 20 केस मुझ पर और कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। आज मैं अपने बेटों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए आया हूँ। उस वक्त बताया गया कि इनकी सरपरस्ती में एक पूरा नेटवर्क चल रहा है मिस्टर खासखेली साहब की, और वजह इसके कि सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेती, इदारे एक्शन लेते, लोगों को गिरफ्तार करवाते, इनके कान पकड़वाते, बिलावल जरदारी इनको मुर्गा बनाते कि क्या कर रहे हो, इनको मजीद छूट दे दी गई कि काम का बंदा है, नजर भी नहीं आता है। एसएसपी रिजवान के रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए, सिंध हुकूमत बदउनवान अनासिर की पुष्ट पनाही कर रही है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर जेआईटी बनाई जाए, रिपोर्ट में मंशियात फरोशी नेटवर्क से मुतालिक हकायक हैं, सईद गनी से जाती मुखासत नहीं लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, मंशियात फरोशों के सरपरस्तों को बेनकाब होना चाहिए। हलील मादर शेख की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध को वफाक से डिविजिबल पूल में जो 56% जो डिविजिबल पूल है जो कि सुबह को बढ़ता है उसमें से 27% जो है वो सिंध को मिलता है, 27% तकरीबन 1000 अरब बनते हैं, 200 अरब रुपए सिंध हुकूमत खुद कमाती है, उसमें से 200 अरब रुपए में से 99% पैसा जो है वो कराची कमा कर देता है, 1200 अरब रुपए ये हो गए कैश, ये कैश एक इंसान के पास आ रहा है और वो है वजीर आला सिंध, वो इस कैश को 1200 अरब रुपए को सिंध के दूसरे ऑर्गन्स थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं दे रहे अपने हाथों से खर्च कर, ये है मसला पाकिस्तान का। सिंध के हवाले से जो अदालती फैसला आया क्या वो नाफिज होगा, चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का सवाल, बोले वजीर आला हाउस से इख्तियारात गली कूचों तक पहुंचे चाहिए, सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी में जाएगी, नजरसानी पर समाप्त होगी, दरख्वास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी। एक 1,30,000 नौकरियां दे रहे हैं वजीर आला उस्मान बुजार का ऐलान, कहा शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं, लोगों के मसाइल अब मुल्तान और भावलपुर में ही हल होंगे, कोहे सुलमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के नए थाने और चौकियां बन रही हैं, लोगों का बलोच लेडीज और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नौकरियां मिलेंगे। डॉक्टर शीरी मजारी की मौलाना फजलुर्रहमान पर तनकीद, कहा मौलाना फजलुर्रहमान काफी अरसे बाद पार्लियामेंट से बाहर हुए, मौलाना किसी भी तरह बैकडोर एंट्री मारने को तैयार है, वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी की प्रोग्राम सच्ची बात में गुफ्तगू, कहा फजलुर्रहमान एहतजाज से मकासद हासिल नहीं कर सकते। अगर सियासी पार्टीज टेंशन क्रिएट करती हैं ऑपोजिशन वाले, देखिए मौलाना को तो एक मसला पड़ गया ना, पहली दफा बड़े अरसे के बाद वो पार्लियामेंट में नहीं हुकूमत वाले इसीलिए नहीं इलेक्शन नहीं जीत सके, अब वो डेस्परेट हो गए हैं कि किसी तरह बैकडोर से मैं प्रोटेस्ट करके किसी तरह आ जाए, ये नहीं होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अरवी और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात, हुकूमती उमूर समेत दीगर इशू से मुतालिक बातचीत, इदारों की मजबूती शफाफियत और मेरिट हुकूमत की तरजीह है, सेहत और तालीम समेत बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा, सदर आरिफ अरवी। अदाकारा मीरा का दावा गलत साबित, शादी ना होने का मीरा का दावा गलत है, सेशन कोर्ट लाहौर का फैसला, मीरा ने निकाहनामे पर जाली दस्तखत से मुतालिक शवाहिद पेश नहीं किए, अदालत शादी को खुला की बुनियाद पर खत्म करती है, मीरा और तीको रहमान बतौर मियां बीवी एक साथ नहीं रह सकते, अपील का कोई मैरिट नहीं मुस्तरद की जाती है, दरख्वास्त गुजार अपील का खर्च बर्दाश्त करेगी, तहरीरी फैसला। न्यू कराची भी डाकुओं के रहमो करम पर, सेक्टर 5 में बुजुर्ग शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की बुजुर्ग शहरी को रोकने की कोशिश, बुजुर्ग शहरी ने मोटरसाइकिल मुलजमान पर गिरा दी, मुलजमान की शहरी से जबरदस्ती मोबाइल फोन और पैसे छीनने की कोशिश, बुजुर्ग शहरी ने करीब पड़ा पत्थर उठा लिया, मजाहमत पर मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार।
पाकिस्तान और अमरीका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, किसी मुल्क के लिए शर्त नहीं कि अमरीका या चीन का इंतखाब करे। अमरीका के शराकतदार ममालिक तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वालों को आजादाना नकलो हरकत की इजाजत देना होगी, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत में इजाफा, फी टन की कीमत में 1.19 डॉलर का इजाफा, कीमत बढ़कर 1,389 डॉलर हो गई, खबर एजेंसी। रूस में ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा, एक दिन में मरीजों की तादाद 1.5 लाख तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू, 15 रीजन्स के अस्पताल में मामूल की तिबी देखभाल मुअत्तल, बड़े इजतमाज पर पाबंदी आयद, हुकूमत की तरफ से 10 दिन की तातीलात का ऐलान। रूस का यूक्रेन, अमरीका और नेटो के साथ तनाव, रूसी सदर पुतिन का चीन के साथ नए दिफाई और मुआशी तालुकात का ऐलान, चीन के साथ नए दौर का आगाज करेंगे, दुनिया में तवासुन के लिए मुनसिफाना वर्ल्ड ऑर्डर पर काम करेंगे, WTO के तहत आलमी सप्लाई चेन को दोबारा लॉन्च करेंगे। इसराइली वजीर दिफा का बहरीन का सरकारी दौरा, दोनों ममालिक के ताल्लुक में बेहतरी के बाद इसराइली वजीर खारजा का पहला दौरा, इसराइली वजीर दिफा की आला हुकाम से मुलाकातें, दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आलमी बैंकों को अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रकूम मुंतकिल करने की इजाजत, आलमी बैंक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लेन देन कर सकते हैं, इमदादी तंजीमें असाजा और मुलाजमीन को अदायगियां कर सकती हैं, अफगानिस्तान में रकम भेजने की भी इजाजत है, अमरीकी महकमा खारजा। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी, नथिया गली, अजूबिया, चांगला गली और बाड़िया में सफेदी ही सफेदी, लाहौर और गिरदुरवा में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और चीन के विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां, मेहमानों की खिदमत रिपोर्ट करेंगे, खाना भी रिपोर्ट देंगे, आइसक्रीम खानी हो या पीनी हो चाय, ऑर्डर करें रोबोट हाजिर, सिर्फ यही नहीं रोबोट ऑर्डर के मुताबिक खाना भी पकाएंगे, आपसे आपका हाल भी पूछेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज, मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।